सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस, आज है, जैसे कि आपको पता है कि आज क्या हो सकता है, तो मैं अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। फिलहाल आज है संडे और हमारी मॉर्निंग राइड की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम खड़े हैं धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर खड़ी है भाई अज्जू भाई की स्प्लेंडर। और ये रे अज्जू भाई और यहाँ पे है नितिन भाई। क्या हाल है नितिन भाई? क्या हाल है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। मस्त संडे नाइट जाने वाली है आज। हाँ भाई, और यहाँ पे विपुल भाई वगैरह, राहुल भाई, ये सब खड़े हैं। और अभी गाइज हमें टोटल 7 से 8 राइडर फिलहाल। भाई नितेश भाई आने वाले थे, नितेश भाई भाई सो के नहीं उठ पाए तो लेट हो गए भाई, सो नहीं आ पाए, अगर कोई बात नहीं। और वरुण भाई भी नहीं आ पाए, बाकी आगे देखते हैं। पंकज भाई भी सुनने में आया था कि आने वाले। मोहित भाई कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया, तुम बताओ भाई। तो मोहित भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, एंड मोहित भाई। और गाइज ये थे अज्जू भाई, जो कि भाई बहुत बढ़िया बंदे हैं, जिसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल। सो जितने भी बंदे नहीं आए, विक्रम भाई भाई गाँव गए हुए हैं, साहिल भाई का थोड़ा स्कूटी की प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स व्हाई भाई नहीं आए। रतन भाई का काम वगैरह है इसलिए नहीं आ पाए। तो मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि नहीं आ पाते बंदे। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं आगे अपनी राइड को कंटिन्यू करने के लिए। जो आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है वो होने वाली है पंचगांव। बाकी चलते हैं एंड आपसे बात करेंगे अब डायरेक्ट आगे। सो फाइनली गाइज अपनी राइड की शुरुआत हो चुकी है एक तगड़े मौसम के साथ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भाई स्प्लेंडर वाले भाई को देखो, फुल रिएक्शन दे रहे हैं तुम्हारे भाई को। और ये चल रहा है अपना आज का काफिला, जो कि छोटा सा काफिला है भाई। और आज हम जा रहे हैं पंचगांव, जो कि पड़ता है मानेसर टोल के आगे। और यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। बाकी भाई आज का मौसम कुछ मतलब सुहाना सा है भाई, एकदम ठंडा ठंडा। फिलहाल अभी धूप नहीं निकली है और सूर्य देवता फिलहाल निकल चुके हैं, बट यहाँ पर अभी भाई रोड पर जो है हाईवे पर धूप नहीं आई है। और मतलब ये लगा लो 7 बजते बजते भाई धूप भी आ जाएगी। और भाई यहाँ पे चल रहे हैं भाई अपने भाई, जिनसे कल इंस्टा पे DM आया था इनका, मेरे को नाम नहीं पता यार भाई। बाइकर्स ही बाइकर जा रहे हैं भाई, दवा दब बाइकर्स ही बाइकर्स यार। ये है जब हमारे ग्रुप के भाई सारे बंदे नहीं आते ना, मतलब जितने भी हमारे खास खास बंदे हैं, विक्रम भाई, नितेश भाई, रतन भाई, साहिल भाई, मतलब जितने भी प्यारे भाई हैं मेरे ग्रुप के, वो जब नहीं आते तो भाई अजीब लगता है राइड करने में, अकेला अकेला सा फील होता है। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी होता है भाई। ये देखो भाई रेडर में फुल भाई वो लगा रखा है एग्जॉस्ट भाई। अज्जू भाई अलग ही फॉर्म में चलते हैं भाई, इनकी स्प्लेंडर जो है इन्होंने गजब बना रखी भाई, कुछ भी भाई एकदम कूल। और भाई वीडियो में सपोर्ट दिखाओ गाइस, क्या कर रहे हो आप? वीडियो को पूरा वॉच करा करो अपने भाई की, जल्दी से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाओ यार। बस चैनल मोनेटाइज करवाओ अपने भाई का, और कुछ नहीं चाहिए मुझे भाई। कुछ बंदे R15 लेके ऐसे जा रहे हैं ना उड़ाते हुए भाई, ये लगा लो कि हद भी पार कर रहे हो, ऐसा सीन कर रहे हैं भाई। एग्जॉस्ट लगा रखा है पूरा, मतलब फाड़ते हुए जा रहे हैं, लगा लो 120-130 से कम नहीं चल रहे भाई। और बताओ भाई लोगों, मौत चल रही है? नहीं चल रही, मौत चलते रहनी चाहिए। सो बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। सो भाई आज ना कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रैफिक नज़र आ रहा है इस हाईवे पे, क्योंकि भाई संडे है। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको ज़्यादातर ब्लॉग में बोलता हूँ कि भाई संडे के दिन फैमिली जो होती है वो सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने बच्चों को लेके निकल जाती है, और वो गुड़गांव साइड मानेसर साइड ही आते हैं, क्योंकि भाई यहीं पर ही सारे रेस्टोरेंट हैं बड़े बड़े जितने भी हैं, होटल हाईवे किंग, होटल प्रिंस, बसंत ढाबा, पंचगांव, सारे मतलब जितने ही फेमस फेमस रेस्टोरेंट हैं सारे यहीं पर हैं मानेसर में। तो भाई सारे बंदे मतलब अपना संडे मॉर्निंग यहीं पर ही मनाने आते हैं। फिलहाल भाई हाईवे तो एकदम मक्खन मलाई वाला कर दिया है एकदम, जगह जगह भाई जहाँ पहले गड्ढे थे वो सब भर के मतलब पूरी प्लेन रोड कर दी। आपको दिख ही रहा होगा कैमरा
कैमरे में। बाकी वाइड एंगल बताना, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी ज़रूर बताना यार। एक में एक आप में मैं कमी बताना चाहूँगा फिलहाल कि भाई आप सपोर्ट दिखाते हो बट मुझे जितना सपोर्ट चाहिए होता है उतना आपका सपोर्ट नहीं मिल पाता। डोंट नो क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि कभी कभी तो कि भाई जैसे कि मैं वीडियो क्या आपके लिए अच्छी नहीं बनाता, मैं बोल अच्छा नहीं पाता, तो वही है यार। मेरे को आप कमेंट डाउन करिए ज़रूर बताया करो कि मेरी वीडियो के अंदर आपको क्या कमी लगती है जो आप नहीं देखते हो, या देखते भी हो तो भाई पूरी नहीं देखते हो, कुछ तो रीज़न होगा ना यार। आप कमेंट डाउन तो ज़रूर करा करो ना, चाहे आप मेरे रिश्तेदार हो, चाहे आप मेरे दोस्त हो, चाहे आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, यार मैं कह रहा हूँ आप कमेंट तो किया करो एटलीस्ट। आप कमेंट ही नहीं करते भाई। भाई आगे देखो हिमालयन वाला राइडर निकला है, मे भी ये कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहा है। बाकी तो भाई ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं, बाइकर्स भी कमी दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा आगे पड़ जाता है ना GFR रोड साइड, ज़्यादातर बंदे जाते हैं कैफे वगैरह, पैराडाइज हो गया, थ्रोटल श्रोटल हो गया, ये सब। तो मानेसर साइड बहुत कम बंदे आते हैं क्योंकि भाई दिल्ली से मानेसर 60 किलोमीटर के अराउंड पड़ जाता है, 60 से प्लस ही मान लो। अभी तक मानेसर का टोल भी नहीं आया, अभी हम लगभग 15-20 किलोमीटर आ गए धौलापुरा से। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम भाई पंच गांव, और भाई यहां पे भाई बंदे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ये चेक करो बॉयस। पंच गांव पहुंच चुके हैं, और पंच गांव तो भाई क्या सीन है भाई, बंदे क्या बंदे भैया बंदे 7 बजे सुना है मैंने, 7 बजे भाई यहाँ पे तो स्कैम हो गया। यहाँ पे वो गार्ड जो है बोल रही 7 बजे खुलेगा, बाकी अभी वेट कर रहे हैं। 6:51 तो हो ही चुके हैं फिलहाल। तो फाइनली गाइज ओपन हो चुका है पंच गांव, ये देख सकते हैं। और टाइम की बात की जाए तो अभी 7:08 हो रहे हैं भाई। यहाँ पे हमारे साथ ही बाइकर्स पहले से ही खड़े हुए थे। सो ये भाई पंच गांव का एंट्रेंस है, आप देख ही सकते हैं भाई, अपना लाइनअप तो अलग ही लग रहा है भाई। भाई लगाते हैं लाइनअप, भाई लगा दिया लाइनअप, ये देख सकते हो आप। फर्स्ट से स्प्लेंडर से स्टार्टिंग हुई है यहाँ पे, स्प्लेंडर MT ड्यूक स्प्लेंडर, फिर अपनी रुद्रा, फिर यहाँ पे भाई की जुपिटर, देन नितिन भाई एंटो। सो हमारा आज का लाइनअप ये छोटा सा है, बाकी अगर नितेश भाई वगैरह भी आते तो एक दो और बढ़ जाते राइडर्स। बाकी अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या खाएंगे। मेरे एक पैर पेट में ना गई एसिडिटी टाइप बन गई, तो देखता हूँ यार कुछ हल्का उल्का ही पीऊँगा मैं, ड्रिंक वगैरह में या चाय वगैरह खाऊँगा नहीं कुछ। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं पंचगांव, और यहाँ पे हमने लाइनअप लगा दिया है, देख सकते हैं। सब अंदर जाने की बारी है, और पंचगांव का बाहर से आउटडोर में आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो भाई इतना सही है। और ये सारे अपने खड़े हैं भाई लोग, तो अभी चलते हैं, थोड़ी बातचीत वगैरह कर रहे हैं, फिर चलेंगे। तो गाइस चलते हैं अब अंदर, और यहाँ का भाई एंट्रेंस कुछ तगड़ा होता है, ये चेक करो भाई फुल ब्यूटी भाई गजब एकदम। अरे जहाँ मर्जी बैठ लेते हैं, 7-8 है अपन, 8 बजे। चलो भाई सिटिंग ढूंढते हैं, मंगवाते हैं अपना नाश्ता पानी, लिए यहाँ पे रखते हैं अपने हेलमेट, देन बैठते हैं। ये क्या? तो भाई जैसा ही मैंने आपको बताया था मेरे एसिडिटी हो रही है, तो मैंने भाई पराठा नहीं मंगाया, बाकी भाइयों ने पराठा वगैरह मंगाया, तो मैंने सिंपल चाय मंगाई है कुल्लड़ वाली, वो चाय आ जाए फिर मैं पीऊँगा, देन घर की तरफ निकलूँगा। और यहाँ का भाई नज़ारा देखो, मतलब राइडर्स ही राइडर्स है पूरे पंच गांव में ना, आज के दिन संडे हो तो भाई अपने आ चुकी है मॉर्निंग की टी कुल्लड़ वाली, और सारे भाई मतलब अपने पराठे वगैरह खा रहे हैं और चाय पीते हैं एंड मज़े करते हैं। तो फाइनली गाइस खाना पीना अपना एकदम हो चुका था, ये रखे अपने हेलमेट, अब हेलमेट उठाते हैं
एंड चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ का इंटीरियर काफ़ी सही लगता है यार, गलत जिसे बोलते हैं ना, वहाँ पे लिखा है लव पंचगांव। सो अब चलते हैं घर की तरफ और इसी वीडियो करते हैं यहीं पे अंदर एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टिल देन गुड बाय।